आपके समर्थन में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मानवर हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लक्ष्य के सामने रखते हुए सभी की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। मान्यवर, जब महामहिम राज्यपाल जी संबेद सदन को संबोधित कर रही थी, हम सभी लोग बहुत ध्यान से अभिभाषण को सुन रहे थे, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं, बहुत ही विदुषी हैं, कई पदों को सुशोभित करती हुई वो यहाँ तक पहुंची हैं। मान्यवर, सामने जो हमारे साथी बैठे हैं उस समय ध्वनि प्रदूषण कर रहे थे, उनको लग रहा था कि अगर हम माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण सुनेंगे और लोकतंत्र के ये मंदिर में अभिभाषण के समर्थन में, अभिभाषण के विरोध में बोलने का अवसर आएगा, और अगर ये महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पूरा सुन लेंगे तो इनके पास में विरोध में बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा, इसके कारण ये लोग सुन नहीं रहे थे। मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया गया, उसी के सापेक्ष हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए हमारी सरकार नियोजित प्रयास कर रही है। मान्यवर, सामने बैठे हमारे साथी जब हमारी सरकार का विरोध करते हैं तो वाकई में हमको कष्ट नहीं होता, हमको लगता है कि इनको मौका मिला लेकिन इन्होंने उस समय कुछ किया नहीं, तो इनका दुख दर्द झलक रहा है। मान्यवर, लेकिन हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में जनता के हित के लिए कार्य किए, जनता ने हम लोगों को अवसर दिया, और इस बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हम लोगों ने जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए हम लोगों ने नियोजित प्रयास किए हैं। मान्यवर, हम लोग सिर्फ कहते नहीं हैं, हम लोग करके दिखा देते हैं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मान्यवर, हमारी अभी बहन डॉक्टर रागिनी बहुत अच्छा बोल रही थी, लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी लग रही थी कि विपक्ष में है, इस कारण से उनको बोलना है। वो बता रही थी कि जब जनता के बीच में जाते हैं तो लोग पूछते हैं, लोग बताते हैं कि वो लोग आकर के ये कहते हैं। नहीं, जब आप जिनके बीच में जाती होंगी, आप सोच करके जाती होंगी कि वो आपके हैं और वो आपसे कहते होंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं। वो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर के चलती है, और आज इसीलिए हम लोग 14, 17, 19, 22 जनता के लिए हाँ काम करते हुए आए, जनता ने हमको समर्थन दिया। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 2024 में फिर से हम लोगों को जनता का समर्थन मिलने वाला है। 2017 में हमारी सरकार का गठन हुआ, उस समय राज्य की अर्थव्यवस्था बेहद खराब थी, परंतु आज हमारे प्रदेश का वार्षिक बजट तब से 2 गुना से अधिक है। विगत 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार वायु, जल, सड़क, रेल नेटवर्क के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तीव्र गति से
बुनियादी ढांचे के लिए ढांचे का विकास कर रही है मान्यवर, जिससे उद्योगों को वैश्विक व घरेलू बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। 2017 से अब तक प्रतिवर्ष 3773 किलोमीटर ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। मान्यवर, पिछले 15-14 वर्षों से हमको भी इस माननीय सदन में रहने का अवसर मिला, लेकिन उस समय अगर एक भी सड़क बनवानी होती थी मान्यवर, कई चक्कर लगवाने पड़ते थे, कई बार हम लोग दौड़ते रहते थे और लगता था कि वो जनहित के लिए नहीं, वो अपने लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, तब जाकर के कहीं एक सड़क बन पाती थी। मान्यवर, आज हमारी सरकार में सड़कों का जाल बुझ गया है। इतना काम हमारी सरकार ने किया है मान्यवर। उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट पूर्ण रूप से क्रियाशील हैं। कुछ वर्षों में हमारा प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। हमारी सरकार के द्वारा विगत 10 से 12 फरवरी तक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, सकारात्मक सोच व कठोर परिश्रम से दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों ने उसमें प्रतिनिधित्व किया, और इस कारण से जब वो यहाँ पे आए, वो एक निवेश महाकुंभ के स्वरूप में बदल गया, और इसके कारण आज हमारा युवा, हमारा किसान, महिलाएं सब आज कह रही हैं कि जिसके लिए हमने योगी जी पे भरोसा किया था, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी पे हमने भरोसा किया था, जिस कारण से हमने प्रदेश और केंद्र में सरकार बनाई थी, वो सारी चीजें हमको हासिल होने वाली हैं, इस कारण से ये लोग परेशान हो रहे हैं मान्यवर। हम लोगों ने इस बार G20 का प्रतिनिधित्व भी हम लोगों को मिला है। हमारे प्रदेश में ही नहीं, विश्व में हमारे देश की पहचान होने वाली है। गंगा, यमुना, सरस्वती, काशी, मथुरा, अयोध्या की पहचान जो आप लोगों ने छुपा के रखी थी, आज उनको देखने के लिए विश्व से बड़े बड़े देशों से लोग हमारे यहाँ आया करते हैं मान्यवर। आप लोगों को अवसर मिला, लेकिन आप लोग कभी कुछ नहीं कर पाए। आप लोग शिक्षा की बात करते हो, शिक्षा के स्तर को आप कहाँ ले गए थे? आप लोगों ने डिग्री को सिर्फ नकल का माध्यम बना लिया था कि नकल करके ही डिग्री मिलती है। हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला करके नकल विहीन शिक्षा करवाना शुरू कर दिया मान्यवर। ये बहुत बड़ा बड़ी उपलब्धि है हमारी, क्योंकि शिक्षा भविष्य को बनाने का काम करती है, बच्चों के भविष्य का निर्धारण करती है। आपके लिए सिर्फ डिग्री थी, आपके लिए सिर्फ वोट का कारण था, लेकिन हमारे लिए हमारे देश मका का मामला है, हमारे भविष्य का मामला है। हम लोग इसलिए शिक्षा को अच्छी दिशा देने का काम कर रहे हैं मान्यवर। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, तकनीक को बढ़ावा देते हुए रोजगार देने का काम करेगी। उस तरह की शिक्षा हम लोग देने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने स्वास्थ्य में बड़े काम किए। जिस तरीके से हम लोगों ने हर जिले में उद्योग देने का काम किया, उसी तरह से आज हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज देने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे कुछ साथियों ने कानून व्यवस्था की बात की, हमारी बहनों की सुरक्षा की बात की। बहुत खुशी होती है जब बहनों के बारे में आप बात करते हैं, बहनों की समस्याओं के बारे में आप बात करते हैं, लेकिन कष्ट इस चीज़ का होता है कि सामने बैठे हमारे साथी महिलाओं की समस्याओं को सिर्फ तब याद करते हैं जब कोई सामाजिक चर्चा करनी हो या कोई राजनैतिक मुद्दा हो, तब उनको बहनों की याद आती है। आज जब योगी जी की सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, स्वावलंबन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से हर एक काम कर रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि आज प्रदेश और देश की हर बेटी योगी जी और मोदी जी को चलिए धन्यवाद का काम करती है। श्री राकेश सचान, माननीय मंत्री राकेश सचान जी नहीं है।